महाभारत के बाद सिद्धि मिलेगी, महाभारत लड़ाई के बाद सिद्धि मिलेगी। क्या मिलेगी? सिद्धि मिलेगी। हाँ, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। महाभारत हुए बगैर स्वर्ग के गेट नहीं खुल सकते। ये बड़ी भारी सिद्धि है। तो सच्चाई के लिए युद्ध सबको करना पड़े। और करेंगे हाँ, लेकिन कौन है वो पिछाड़ी वाले? क्या 500 करोड़ तीव्र पुरुषार्थ करेंगे? अरे पिछाड़ी में तो 500 करोड़ भी आवेंगे कि नहीं आवेंगे? अरे आवेंगे तो क्या वो सब तीव्र पुरुषार्थ करेंगे? नहीं, जो यज्ञ के आदि में आए होंगे, आदि सो अंत में भी आवेंगे, और आवेंगे तो पूर्व जन्म का पुरुषार्थ उनका ऐड हो जाएगा नए जन्म में। बाकी ऐसे नहीं है कि 500 करोड़ जितने भी हैं और धर्मों के, वो सब आवेंगे और तीव्र पुरुषार्थ करेंगे। नहीं, अभी बोला नाच वाला यज्ञ के आदि में भी, यज्ञ के आदि में भी, आदि में यज्ञ था है? यज्ञ क्या चला? यज्ञ पिता था? यज्ञ पिता था है? था? कभी कहते हाँ कभी नहीं। यज्ञ पिता तो था ना? यज्ञ पिता था, बाद में मर गया। विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से निकली। यज्ञ पिता दादा लेखराज ब्रह्मा को कहें, उसे इस ज्ञान युग यज्ञ कुंड कहें या नहीं कहें? इस ज्ञान यज्ञ कुंड से निमित्त कौन है विनाश ज्वाला का? जो निमित्त है उसे प्रत्यक्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो कौन है निमित्त? अरे किसके द्वारा विनाश? शंकर द्वारा विनाश। शंकर को ही रुद्र कहा जाता है, उनको ही मालाएं दिखाई जाती हैं रुद्र की, रुद्राक्ष की। और बाबा ने सेवा का लाइसेंस दिया है कि लाखों की संख्या में निमंत्रण पत्र छपवाओ, एरोप्लेन से फेंको, बड़े बड़े लोगों के घरों में भी दो, ताकि सबको संदेश मिल जाए। बाबा मुरली के डायरेक्शन के अनुसार ये निमंत्रण पत्र की सेवा छोटे छोटे गांव में कर सकते हैं जहाँ जीता पाठशाला नहीं है। हाँ, तो पूछना क्या चाहते? निमंत्रण पत्र छपवाओ, एरोप्लेन से गिराओ, बड़े बड़े आदमियों के घरों में भी डालो, वो तो सब ठीक। हाँ, गांव में भी जाएं। बाबा जो यश दे वो यश। अरे एक बात तो पूरी कर रहे हो बाबा, भेज सकते हैं गांव में है? अरे बाबा बोल रहे हैं तो सकते हैं कि क्या बात है? है
अरे पूछना क्या चाहते हो इसमें? हाँ छपवाओ तो छपवाओ, इसमें पूछने की क्या बात है? हाँ और बाबा एक बोली ने बोला है कि इसको दुनिया वाले मान मर्तबा देते हैं, जिसको भगवान मान मर्तबा नहीं देता है, और जिसको भगवान मान मर्तबा देता है उसको दुनिया वाले मान मर्तबा नहीं देते। अगर कभी श्रीमत पर चलेंगे तो अवश्य अच्छे काम करेंगे और दुनिया वाले मान मर्तबा देंगे, तो उससे कैसे बचा जाए, उस मान मर्तबे से कैसे बचा जाए? गुप्त पुरुषार्थ करेंगे तो मान मर्तबा किसको देंगे? और अपने पुरुषार्थ को प्रत्यक्ष करते रहेंगे तो मान मर्तबा मिलेगा। तुम्हारा दान मान पद पुरुषार्थ सब गुप्त है, कोई जान ही नहीं सकता, तो मान मर्तबा कैसे देंगे? जिन्हें मान मर्तबा लेना होता है वो अपने दान को भी प्रत्यक्ष करने की कोशिश करते हैं। बड़ा दानी है, बड़ा पुरुषार्थी है, नहीं तो एक हाथ लेने वाला और दूसरा हाथ देने वाला, तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो प्रैक्टिकल रूप में दिखते हैं, तो उसकी वजह से वो कोई बात नहीं। और यस्मिदा, अरे सीधा सीधा पूछो ना, पढ़ के क्यों बताते हो? देवी का मतलब देवकी माने देवताओं की, क्या देवताओं की माँ? कृष्ण देवता था या भगवान भगवती की कोटि में है? हैं? देव था, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान की ये टाइटल थोड़े ही है। भगवान को 16 कला संपूर्ण कहेंगे या कलातीत कहेंगे? हैं? वो तो कलातीत है, सूर्य है। और आत्मा बहुत फास्ट होती है, आत्मा बहुत फास्ट होती है, उससे ज्यादा फास्ट कोई चीज नहीं होती। मन जाता है, मन बुद्धि को ही तो आत्मा कहते हैं, आत्मा कोई दूसरी चीज थोड़ी ही है। आत्मा में मन बुद्धि संस्कार होता है, मन बुद्धि संस्कार का समुच्चय ही आत्मा है, वो बिंदु मन बुद्धि संस्कार तीनों का समुच्चय है, समूह है। और बाबा कभी कभी मन लगता नहीं है, उसके लिए क्या करा जाए? गीत बजाओ पुराने पुराने। अभी आया था डोली खिलाने का, कि मम्मा बाबा डोली पलंग पर बैठ के डोली खिलाते हैं, ज्ञान स्नान करके डोली क्या है? हैं? ज्ञान स्नान, ज्ञान स्नान, स्नान बात अलग है, टोली खिलाना बात अलग है। टोली इंद्रियों से खाई जाती है, मुख इंद्रिय है, ये जिभ्या इंद्रिय है, भोग काय से भोगे जाते हैं, इंद्रियों से भोग भोगे जाते हैं। और बाबा जैसे अभी क्लास के बाद रोज गीता पाठ का पॉइंट बोलते हैं, तो ऐसे आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय की जो भगवत गीता है उसका एक श्लोक रोज याद करके बोले तो ठीक रहेगा? बाबा की तो बातें पूरी समझ लो, तब पंडित जी बन करके सुनाना। बाबा तो सीधी सीधी बात सुनाते हैं या संस्कृत की बातें बैठ बताते हैं?
संस्कृत के श्लोक बैठ बैठ करके सुनाएंगे, लोग समझेंगे, बड़ा बारीक पंडित है, अर्थ भी आता है। उन श्लोकों का वो अर्थ आता है जो बाबा समझाना चाहते हैं, आता है। क्या दिया हुआ है? एक होता है अर्थ, एक होता है भावार्थ, एक होता है अनुवाद। शब्द से अनुवाद अलग चीज है, फिर उसका अर्थ अलग चीज है, फिर अर्थ का भी भाव अर्थ अलग चीज है। बाबा तो हमको भावार्थ समझाते हैं। और नाम के बाद सरनेम लगता है, हैं? नाम के बाद सरनेम लगाया जाता है। हाँ जी, शादी के पहले जो लड़कियों का जो सरनेम, माँ बाप के घर में अलग सरनेम होता है, बाद में ससुराल में जो दूसरा सरनेम का। तो खून बदल गया ना, वहाँ बाप के कंट्रोल में थी, यहाँ कंट्रोल ही बदल गया, पति के कंट्रोल में आ गई, तो काम बदल जाएगा या पुराना ही काम चलेगा? टाइटल भी बदल जाता है, जैसा काम वैसा नाम पड़ता है। और अच्छी बात है, सारा दिन जो काम करेंगे दत्त चित्त होकर के करेंगे तो रात में स्वप्न भी वैसे ही आवेंगे या दूसरे आवेंगे, हैं? अरे मिसाल दिया, लगन से बजाज कपड़ा बेचता है दुकान में, सारा दिन कपड़ा फाड़ता रहता है, तो रात में भी अपनी धोती फाड़ देता है। हाँ, तो क्या पूछना? तो इसका मतलब बाबा के सपना देखना। अच्छी बात है, बाबा के सपना देखना खराब बात है क्या? लौकिक प्रैक्टिकल जीवन में ज्यादा याद किया होगा किसी दिन तो बाबा सपने में भी याद आवेगा। लगन की बात है, लगाव की बात है। फिर से ज्यादा काम बुद्धि में रखना होता है, जैसे ज्यादा कामों को समझना होता है, काम लौकिक में कर रहे हैं तो वो भी बुद्धि में आएंगे तो वो भी रात में याद आ जाएंगे क्या? वो आप ये जो कपड़े फाड़ने का व्यवसाय बताया, ये लौकिक काम नहीं है तो फिर? और अरे जिनका आठ से ज्यादा लगाव होगा उनको आठ की याद आएगी या 108 की याद आएगी? अरे जिनका लगाव आठ से है, जितना आठ से लगाव है, लगन है, उतनी 108 के साथ लगन नहीं है तो उन्हें याद क्या आवेगा? आठ याद आवेगी तो आठ ही भक्ति मार्ग में याद करते हैं, सब नहीं याद करते, कोई कोई हैं जो आठ की माला फिराते हैं। जो आठ की लगाव सर्वव्यापी की बात नहीं है, वो ऑटोमेटिक याद आता है। याद तो एक को करना है, लेकिन ऐसे नहीं एक को याद करने वालों को दूसरे याद नहीं आते, फिर भी याद वो ही आवेंगे जिनसे लगाव ज्यादा होगा 84 जन्म में।
विजय माला का आह्वान करने की बात आती है तो विजय बाबा ने बोला कि विजय माला का भी कोई टेम लदा हुआ है, तो क्या टेम लदा हुआ है? टाइम लदा हुआ है, मुरली में आया बोले समय लदा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल समय लदा हुआ है। याद करने का, आह्वान करने का, आने का? आने का टाइम लदा हुआ है। क्यों? माला बताई, विजय माला की हेड थोड़ा ही बताई। अभी कानपुर में 8-10 माताएं निकल पड़ी जिनकी सेवा एडवांस पार्टी वालों ने नहीं की। ब्रह्मा कुमारियों की तरफदारी लेने वाली कोई ब्रह्मा कुमारी ने की, तो वो विजय माला की आत्माएं नहीं है। तो कोई टाइम नूद है क्या? एक हो तो टाइम नूद हो, बातों अनेक हैं। शहद की रानी मक्खी का टाइम नूद हो सकता है, बाकी सब शहद की मक्खियों का टाइम नूद थोड़े ही हो सकता है। इसलिए विजय माला बताई है, एक की बात नहीं है। हाँ, एक निकल आवेगी तो पीछे पीछे सब आ जाएंगे, ये बात जरूर है। महाभारत युद्ध के अंदर दोनों सेनाएं जिनमें आपस में युद्ध करती थी, महाभारत युद्ध में दोनों सेनाएं जिनमें आपस में युद्ध करती थी, तो रात में दोनों सेनाओं के आपस में शिविर में जाते थे। रात में अपने अपने शिविर में रहते हैं और एक दूसरे के शिविर में भी जाते हैं, मिलते जुलते हैं। ये है ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन। क्या ब्रह्मा की रात में सब एक थे या एडवांस पार्टी और बीके पार्टी अलग अलग थी? एक ही थे। और भक्ति मार्ग में गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा एक साथ होती है। गणेश की और हाँ श्री गणेशाय नमः होगा कि नहीं होगा? नई दुनिया के आने की श्री गणेश होगी या नहीं होगी? तो जब नई दुनिया आवेगी तो लक्ष्मी भी आवेगी या नहीं आवेगी? तो साथ साथ होता है। जगदम्मा के साथ सरस्वती का नाम आया हुआ है। जगदम्मा में तो ब्रह्मा की सोल करती है। हाँ, ब्रह्मा के साथ सरस्वती थी और जगत पिता के साथ कौन है? जगदम्बा है। निमित्त तो जरूर चाहिए ना। और बाबा श्री लंका, श्री लंका नाम कैसे दिया गया? रावण जो है श्री लंका में दिखाया जाता है, लेकिन वो लंका बसाई किसने थी? है लंका में रावण का राज्य तो हुआ, लेकिन वो लंका बनाई किसने थी? अरे हाँ, तो श्री श्री है कि नहीं? इसलिए उसका नाम श्रीलंका है, क्योंकि श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ के द्वारा बनाई गई। और बाबा नाम के बाद जो है सिंह लगाया जाता है, एमपी उत्तर प्रदेश बिहार में जो नाम के बाद सिंह लगाया जाता है, फिर सरनेम, जैसे शिवराज सिंह चौहान उदाहरण के लिए नाम के बाद सिंह लगाया जाता है। राम के बाद हाँ, शिवरात्रि के बाद क्या? उदाहरण बताया शिवराज सिंह चौहान, शिवरात्रि चौहान, शिवरात्रि चौहान नाम के बाद सिंह लगाया जाता है। कोई भी नाम के साथ सिंह लगा देते हैं। हाँ, क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि इस नाम के जितने जितने हैं उन सबों के बीच में ये शेर है, नरसिंह। नर तो बहुत हैं, लेकिन उन नरों के बीच में सिंह ये है।
इसलिए सिंह लगाते हैं। और बाबा जी यज्ञ में वाग्भट चिकित्सा की कैसेट सुनाई जा रही है, उसमें बताया गया है कि खाना बनाते समय सूर्य का प्रकाश और हवा का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। बताया है कि आटा घट्टी का खाना है, आटा जो है घट्टी का जो अपने घर पे घट्टी होती है उसका खाना है। हाँ जी, एल्यूमिनियम के बर्तन उपयोग नहीं करना है, फ्रिज का उपयोग नहीं। अरे फाइनल बात तुम क्या पूछ रहे सो तो बताओ। आज के समय में कैसे संभव हो सकता है? क्यों नहीं संभव हो सकता है? बैंक में पैसा जमा करना संभव हो सकता है? पेट में रोटी खाना संभव नहीं है? बैंक का सारा पैसा बीमारी में चला जाएगा तब तो? बैंक में इकट्ठा करने से क्या फायदा हुआ? ये कैंसर आदि की खतरनाक बीमारियां लग रही हैं, ये पहले क्यों नहीं लग रही थी? एल्युमिनियम था नहीं था? अभी एल्युमिनियम है, ऐसे नहीं है कि पहले भारत में एल्युमिनियम की खाने नहीं थी, पहले भी थी लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते थे। बाग्भट्ट ने तो कारण भी बता दिया, यहाँ की जो भारतीय मिलिट्री होती थी उसको कमजोर करने के लिए उन्होंने एल्युमिनियम के बर्तन प्रयोग करना शुरू कर दिए गैरजों में। भारत की मिलिट्री के योद्धाओं को कमजोर करने के लिए, ऐसे न हो वो ब्रिटिश सैनिकों को कमजोर कर दें। और नदी के किनारे नर्मदा नदी के किनारे वो नर है और मादा है, उसके किनारे ही बनेंगे ना, क्योंकि शंकर है साकार की यादगार है या निराकार की यादगार है? है शंकर किसकी यादगार है, निराकार की यादगार है या साकार की यादगार है? चित्र शंकर के बनते हैं या निराकार शिव के बनते हैं? शंकर के बनते हैं। तो जब साकार में आता है तो भाई बहन दो हो जाते हैं। प्रजापिता की औलाद हैं तो हम आपस में क्या हैं, नर और मादा दोनों हैं। तो साकार में नर और मादा हैं, निराकार में सब आपस में भाई भाई हैं। इसलिए जहां जहां भी नर्मदा होगी, नर और मादा होगी, वहां शंकर के मंदिर जरूर हैं। और बाबा कहते हैं कि मैं विदेशी बनकर आता हूँ। हाँ, विदेशी बनकर आते हैं और रावण जो है साधु का भेष रूप धारण करके आते हैं। हमारे भारत के जो संत के रूप में आते हैं, संत के रूप में आते हैं, साधु के रूप में आते हैं, इसका क्या बेहद में? इसका अर्थ यही है कि रावण भी विदेशी है, ये काम विकार इस्लामियों से आता है, ये क्रोध विकार क्रिश्चियन से आता है, ये लोभ विकार मुस्लिमों से आता है, ये सब विदेशी कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी रशियन साधे हैं। ये विदेशी रावण है, आता तो है लेकिन है विदेशी, तो सीता तो पहचान लेगी। सीता स्वदेशी है या विदेशी है? स्वदेशी है,
तो पहचान लेगी तो क्या युक्ति रचता है, है? वो भारत में साधु लोग होते हैं तो साधुओं का वेश धारण कर लेता है और बाप बाप जस्ट उल्टा है, है भारतीय, बाप भारतीय है या विदेशी है? अरे अरे बोलते ही हैं बाप विदेशी बनकर आते हैं, तो बनकर आते हैं तो ओरिजिनल में क्या है, है भारतीय है ना, तो है तो भारतीय, लेकिन अपने को दिखावा नहीं करना है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि वो विश्व पिता है, सिर्फ भारत का पिता है क्या, है किसका पिता है, सारे विश्व का पिता है, पार्श्विति की बात नहीं। तो कोई की बुद्धि में उल्टा बैठ जाए, सबको बराबर बराबर मौका देता है, कोई कह नहीं सकता हमको सूर्यवंशी पद क्यों नहीं मिला, मैं सूर्यवंशी बनकर सतयुग में क्यों नहीं आऊंगा, मैं 16 कला संपूर्ण देवता क्यों नहीं बना। अभी मौका तो सबको देते हैं, सब आकर के पतित से पावन बन सकते हैं, अगर स्वदेशी बनकर के आता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर के आता, तो सबको संघ का रंग मिलता क्या, मिलता है नहीं मिलता। और बाबा संगम के प्रश्न के लिए देवकी यशोदा का पाठ किसका है, है? संगम भी कृष्ण के लिए देवकी यशोदा का पाठ किसका है, देवकी यशोदा का पाठ जो यश दे सो यशोदा। हाँ हाँ, जो यश दे कीर्ति दे सो यशोदा। देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया, तो कृष्ण को यश मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, है? मिलना चाहिए, इसका मतलब गीता का भगवान कृष्ण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो सतयुग का प्रिंस है, देवता है, भगवान आते हैं तो भगवान भगवती बनाते हैं, देवताओं की पैदाइश सूर्यवंशियों से होती है, भगवान से डायरेक्ट नहीं होती, बीच में महादेव बैठा हुआ है, क्या कहते हैं, देव देव महादेव, भगवान से तो डायरेक्ट भगवान भगवती ही बनते हैं, गॉड इज वन, गॉड निराकार, तो गॉड का बच्चा भी एक ही होगा या अनेक होंगे, एक ही है। और बाबा ने बताया कि दो तीन चार बजे तक का अच्छा होता है। बाप और बाप के सहयोगियों का संग कम किया है, ऐसा क्यों होता, ऐसा क्यों होता, कर्म जैसे किए हैं, संग किसी का करना न करना अपने हाथ की बात है या जबरदस्ती की बात है, है? अपने हाथ की बात है। और योगा है?
ज्ञान के कर्म में कुशलता आती है, बाबा ज्ञान के कर्मों में कुशलता आती है। अगर सही याद करेंगे तो विचारी याद करेंगे तो नहीं आवेगी कुशलता। एकाग्रता से कुशलता आएगी या नहीं आएगी? अगर बुद्धि एकाग्र है तो कर्म अच्छे होंगे या कर्म बुरे होंगे? अच्छे ही कर्म होंगे। बाबा किसी किसी के संग में संग करने का दिल करता है तो खूब करो, पेट भर ले एक बार, फिर उसका रिजल्ट देखो। है एक याद होगी जो रास्ता चलता चला जा रहा है, रास्ता चलता चला जा रहा है और बाबा की याद में जा रहा है, जैसे आशीष का उदाहरण दिया बाबा ने, परंतु आने जाने वालों का कुछ पता नहीं रहता, याद नहीं रहता कौन आए कौन गए। तो अच्छी बात है या बुरी बात है? फिर वो याद और कर्म करते याद करना खराब होगी। हाँ अंतर क्या अंतर है? वो चलता जाता है आंख से, खुली आंख से देखता जाता है, वो कर्म नहीं करता है? वो भी कर्म करता है। बाबा ऐसा नहीं होता है बाबा की याद में कर्म याद ना रहे हैं? ऐसा नहीं होता है क्या? क्या कर्म करके याद ना बाबा याद रहे तो कर्म को भूल सकते? माने कर्म अलग हो जाए और याद अलग हो जाए तो बाबा कर्मयोगी बनने की शिक्षा देते हैं या सन्यासी बनने की शिक्षा देते हैं? हैं? फिर गीता में भी तो लिखा हुआ है जो गृहस्थी हैं उनसे, जो योगी हैं सिर्फ योगी कर्म सन्यासी उनसे गृहस्थी ज्यादा अच्छे हैं, जो कर्म को छोड़ते नहीं हैं। कर्म अलग कर दिया, योग अलग कर दिया तो कर्म योगी कहाँ रहे? बाबा आंख से जो कर्म की वो तो याद नहीं रहा होगा, चला जा रहा था क्या? आंख इंद्रिय है ना आंख? हाँ कर्मेंद्रिय नहीं है आंख, है ज्ञानेंद्रिय है। तो जो रास्ते में आएगा वो आंख ने कर्म किया वो तो याद नहीं रहा उसको? आंख ने कर्म किया लेकिन आंख ने संग किसका दिया, मन का दिया या दूसरे का किसी का संग दिया? मन जिस इंद्रिय का संग देगा, मन की एकाग्रता के आधार पर सारा हिसाब बनता है। मन प्रधान है सब इंद्रियों में, सब इंद्रियों की लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं, तो घोड़े किसके इशारे पर चलना चाहिए? है? मन के इशारे पर चलना चाहिए। परंतु बाबा उस समय बुद्धि अगर काम में लग गई तो फिर याद नहीं रहती है ना, काम में रहती है। बुद्धि सर्वोपरि है, मन सर्वोपरि है या इंद्रियां सर्वोपरि हैं? मन सर्वोपरि है। लगाम को भी कौन कंट्रोल करता है? हाथ। हाथ माने? अरे लगाम को भी पकड़ता कौन है? हाथ पकड़ता है। तो हाथ माने क्या हुआ? कोई भगवान का बुद्ध रूपी हाथ है जो लगाम को भी पकड़े हुए है। और घड़ी के अंदर तीन सुइयां होती है, पवन का ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। ब्रह्मा बाप और जगदम्बा हाँ है। ब्रह्मा सो क्या बनता है? विष्णु बनता है। विष्णु कौन है? विष्णु कौन है और ब्रह्मा कौन है? बहुत धीरे धीरे चलने वाली सुई कौन सी है? है?
घंटे की बहुत धीरे धीरे चलती है, और उससे ज्यादा तेज है, उससे जो ज्यादा तेज चलती है वो मिनट की सुई है, मिनट मिनट। और याद कैसे करना है? सेकंड बाय सेकंड। तो बुद्धि में आना चाहिए कि सेकंड बाय सेकंड याद करने वाली सुई कौन है, वो किसको याद करता है? है? अरे शिव बाबा किसको याद करता है? अरे अच्छा बिंदी शिव बाबा नहीं है तो किसको याद करती है बिंदी? अरे सेवा में सबसे जास्ती दौड़ने वाली सुई कौन सी है? सेकंड वाइज सेकंड जो दौड़ती है वो सबसे ज्यादा सेवा करती है, बहुत महीन पुरुषार्थ करने वाली है। वो सुई महीन होती है या मोटी होती है? महीन होती है। कौन है? अरे जिसमें ज्ञान ज्यादा होगा वो महीन पुरुषार्थ करेगा, या जिसमें ज्ञान कम होगा वो महीन पुरुषार्थ करेगा? ज्ञान ज्यादा होगा तो महीन पुरुषार्थ करेगा। तो कौन में ज्ञान ज्यादा है? शिव बाबा पुरुषार्थ करता है। हाँ राम वाली आत्मा, वो सेकंड बाई सेकंड दौड़ने वाली आत्मा, वो सूक्ष्म पुरुषार्थी है, और उससे जास्ती हाँ वो कौन है? अरे मिनट मिनट में थोड़ा थिरकती है लक्ष्मी। लक्ष्मी आएगी तो घंटा नहीं बज जाएगा? घंटा बजेगा कि नहीं? वो तो घंटा बज जाएगा, वो तो सबसे मोटी पुरुषार्थी है। तो जब बजेगा तीनों सुई एक साथ होगी है? तीनों सुई एक साथ होती है तो कौन सी सुई एक साथ हो जाती है पहले? नजदीक कौन सी आती है? जगदम्बा पहले नजदीक आती है, मोटी सुई के नजदीक आ जाती है, बाद में सेकंड की सुई आती है। हाँ जी बारह बजे दोपहर के 12 बजे या रात के 12 बजे ब्रह्मा की घोर अंधियारी रात हो जाए या घोर सोझरा हो जाए उसके लिए तीनों सुइयां इकट्ठी होनी चाहिए। अरे तीन ही तो सुइयां हैं, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, ये तीन की तो पहले प्रत्यक्षता होती है। तो सेकंड वाली सुई तो राम वाली आत्मा हो गई, बाप हो। हाँ जी, और उससे ज्यादा तीखा कौन है? जगदम्बा। और उससे ज्यादा तीखा कौन है? हैं? हाँ वो धीमा पुरुषार्थी है क्योंकि ज्ञान नहीं है। और घोड़ा ज्यादा तीखा दौड़ता है या बकरी ज्यादा तीखा दौड़ती है या शेर ज्यादा तीखा दौड़ता है? तो त्रिमूर्ति में कौन है? त्रिमूर्ति में एक शेर है, एक घोड़ा है, एक बकरी है, तीनों सुइयां हैं। अब तीनों की दौड़ देख लो, पता लग जाएगा। तो तीनों सुइयां कौन कौन पार्ट बजाने वाली है? और
है सीढ़ी के चित्र में कलयुग की सीढ़ी के और एक कोना जलता हुआ दिखाया है आपसे और एक कोना डूबता हुआ है। सीढ़ी के चित्र में कलयुग की सीढ़ी को एक कोना जलता हुआ दिखाया है। एक कोना जलता हुआ और एक कोना डूबता हुआ। क्या डूबता हुआ? सती की सीढ़ी का कौन सा कोना? कलयुग की कोना जलता हुआ दिखाया है। एक कोना राइट साइड में और लेफ्ट साइड में आज डूबता हुआ। किसका? अरे तो समाधान कर लो। तो बाबा क्या होता है कि जब घड़ी देखते हैं तो सेकंड वाली स्क्रीन की तरफ से ज्यादा नजर नहीं जाती, घड़ी की तरफ नजर जाती। तो देख लो दुनिया, वाह ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे ज्यादा नजर किसके ऊपर जा रही है? सेकंड वाली स्क्रीन निराकार हो गई इसकी भी। हाँ वो निराकार दिखाई पड़ेगा या साकार ज्यादा दिखाई पड़ेगा? तो निराकार तो होगी ना। है हाँ जी, निराकारी स्टेज ज्यादा किसकी बनेगी? राम वाली आत्मा की। तो वो निराकार हो गया ना। निराकार इस वजह से है इसीलिए निराकार है इसलिए नहीं देख पाते ना। नहीं देख पाते घंटे की मिनट की सेकंड वाली सुई की साइड जो दुनिया की नजर नहीं जाती है। हाँ घंटे की साइड ज्यादा जाती है। हाँ वो निराकारी स्टेज की वजह से नहीं देख पाते। निराकारी स्टेज की ही बात है, सूक्ष्म पुरुषार्थ की ही बात है। तो क्या समझ में नहीं आया? तीनों में फास्ट कौन है वो नहीं मालूम? हाँ फिर है वो तो अलग है ना सबसे, वो गिनती में नहीं है। है अरे तो भी तो सेल चाहिए। हाँ शेर और घोड़ा और बकरी एक बार बताइए। शेर शेर कौन है? बकरी और घोड़ा। हाँ एक बार और बाबा ने बोला मुरली में कि दुनिया वालों ने तीन शेर दिखाए हैं, तीन शेर नहीं है, वास्तव में एक घोड़ा है, एक बकरी है, एक शेर है। तो कौन शेर है? अरे याद की दौड़ में कौन शेर है? तो वो शेर हो गई। उसके बाद घोड़ा कौन है? ब्रह्मा सो विष्णु वाली आत्मा। वो बकरी है जिसने कान पकड़ लिया, बस उसी के आधीन हो गई। अब ब्रह्मा रूपी जगदम्बा हो गया घोड़ा और चाणक्य नीति बहुत प्रख्यात है, तो उसकी नीति को तो कटु नीति या दगा नीति बोलते हैं। बहुत दगा किया और विष पिलाया सिकंदर को भी, विष दिया और कटु नीति है। शूटिंग पीरियड में वो कैसे? शूटिंग पीरियड में वो द्वापर युगी नीति है या सतयुगी नीति है? रावण की दुनिया की नीति है या राम की दुनिया की नीति है? रावण की दुनिया में दगा नहीं होगा तो क्या होगा? लोहे को लोहे से काटा जाता है, विष को विष से मारा जाता है। और तीनों के अंदर जो शेर बकरी और घोड़ा बताया, तो उसमें सिर्फ लगाम घोड़े को दी जाती है, शेर और बकरी को नहीं जाती है। अरे बकरी का कान तो पकड़ा जाता है, कान पकड़ा जाता है कि नहीं? कान से सुनती है खड़े कान करके। अरे घोड़ा खड़े कान करके सुनता है या कान पड़ा हुआ रहता है? हैं? कान खड़ा रहता है और बकरी का कान पड़ा रहता है, वो सुनती किसी की नहीं है क्योंकि कुमार का दादी की औलाद है।
है, नाक में नकेल डाली जाती है। हाँ जी, पाँव में नाल, पाँव में नाल डालते हैं ताकि उसके पाँव घिसे नहीं ज्यादा, नहीं तो बुद्धि घिस जाएगी। पापा घोड़े जो है टाउन में जो है स्पीड कम हो जाती है, घोड़ा जो है टाउन में जो है कम स्पीड हो जाती है, और जो घाट होता है कठान होता है उसमें ज्यादा स्पीड करता है, जो उतार आता तो घोड़े की स्पीड कम हो जाती है। हाँ, नहीं गिर नहीं जाएगा। और है हनुमान के पीछे प्रकाश क्यों नहीं दिखाया है? सीढ़ी के चित्र में हनुमान के पीछे प्रकाश क्यों नहीं दिखाया है? और पूछड़ी वालों को कहिए, प्रकाश होता है पवित्रता का, प्योरिटी का प्रकाश होता है पूछड़ी वाले को। पूछ किसको होती है, जानवर को होती है या मनुष्यों को होती है या देवताओं को? जानवरों को पूछ होती है। बाबा, जो संगठित परिवार के हैं वो भारत में विरले ही दिखाई देते हैं। जो संगठित परिवार है वो भारत में विरले ही दिखाई देते हैं। भारत में नहीं दिखाई देते हैं, विरले ही दिखाई देते हैं। हाँ, दिखाई तो देते हैं ना। और जो संगठित परिवार है वो देवता धर्म के हैं। जो असंगठित परिवार है वो नहीं है, सबसे ऊंचा महकमा कौन सा है? जिसमें अनुशासन बहुत तीखा होता है, मिलिट्री। तो ऐसे ही है ये देवी देवता सनातन धर्म, रूहानी मिलिट्री वाले हैं। जब बाप आते हैं तो जल्दी रूहानियत की स्टेज को पकड़ लेते हैं। बाबा, भारत का जो भारत सरकार का तीन अंग दिखाया जाता है, भारत सरकार का तीन अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ जी, तो अरे पूछो तो, क्या पूछ रहे? तीन अंग दिखाया है। हाँ हाँ, तो ब्राह्मणों की दुनिया में पूछना चाहते? तो ब्राह्मणों की दुनिया में तीन मूर्तियां हैं, एक ब्रह्मा की मूर्ति है, एक शंकर की मूर्ति है, और बाकी बची विधान पालिका, एक है कार्यपालिका, एक है न्यायपालिका। शंकर को क्या कहेंगे? न्यायपालिका, धर्मराज। मेरे साथ धर्मराज है, और कार्यपालिका कौन सी है? जो प्रैक्टिकल कार्य आकर के संपन्न कर देती है, प्रैक्टिकल में स्वर्ग स्थापन कर देती है। कौन सी मूर्ति है? विष्णु। और बाकी तीसरी पहचान लो। अरे मुरलियां किसके मुख से निकली है? ब्रह्मा के मुख से। वही विधान है, वही विधि विधाता है। जगदम्बा जी, जगदम्बा भी आके अभी मुरलियां चलाएगी। हाँ, उसकी मुरली को तुम मानना? क्या चलाएगी तो तुम मान लेना ना। हम नहीं मानेंगे। तुम नहीं मानोगे तो संकल्प कौन कर रहा है? हैं, ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, तो ब्राह्मणों के संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाती है? हैं, ब्रह्मा की गोद में खेले कि नहीं बच्चे? अरे ब्रह्मा ने मुरली चलाई कि नहीं चलाई? हाँ, तो उसकी गोद में बच्चे खेले, तो अभी बच्चों की दिल हो रही है, हम भी अम्मा की गोद में खेलें, तो मुरली चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? तो
जो आज में हुआ सो अंत में होगा या नहीं है? बाप गुप्त हो जाएंगे तो जाएंगे, तो बाप गुप्त हो जाएंगे तो क्या पहले मम्मा ने मुरली नहीं चलाई थी? अरे पहले की मुरली नहीं रखी हुई है, है? जगदम्बा ने एडवांस में मुरली चलाई या नहीं चलाई? चलाई तो क्या अंतर होगा? अरे घोड़े की लगाम बाप के हाथ में होगी तब मुरली चलेगी या ऐसे ही चलेगी? ब्रह्मा रूपी घोड़े की लगाम शिव के हाथ में थी तब मुरली चली या लगाम हाथ से छूट गई थी? अरे हैं? अरे मुरली किसने चलाई उसके तन में? तो शिव ने चलाई तो लगाम उस शिव के हाथ में थी या नहीं थी? थी। बाबा गुलर का पेड़ होता है, गुलर का पेड़ होता है, उसका फूल नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने जो 12 साल तक उसके नीचे तप किया लेकिन उसका फूल नहीं मिला है, गुलर का फूल नहीं मिला है, इसका बेहद क्या सब बातों का अर्थ अभी चाहिए या आगे भी चाहिए? थोड़ा सा इशारा दे दें, गूलर के फल में कीड़े बहुत होते हैं। बाबा भगवत के साथ गीता का, गीता के साथ तो फिर महाभारत लड़ाई का कनेक्शन है, है। पहले क्या है भगवत के साथ गीता का? पहले गीता है कि भागवत है कि महाभारत है? है गीता। पहले गीता ज्ञान है, गीता ज्ञान सुनाया जाता है तो थोड़े लोग इकट्ठे होते हैं, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते, सुनने के लिए नहीं आते, चाव से नहीं सुनते हैं। गीता के बाद गीता ज्ञान सुन करके जो भगवान की प्यारी प्यारी आत्माएं हैं भाग खड़ी होती हैं, तो भागवत हो जाती है। वो भागवत आदि में भी हुई थी, वो भागवत ब्रह्मा का करिश्मा नहीं था। किसका करिश्मा था? प्रजापिता का करिश्मा था। जैसे आदि में हुआ वही अंत में भी होता है। आदि में थोड़ी आत्माओं के लिए करिश्मा था, 400-300, अभी अंत में कितने होंगे भागने वाले? हैं? 16,000 की तादाद होगी। तो लोग ज्यादा ध्यान देंगे ज्ञान की बातों में या नहीं देंगे? अरे भागवत को ध्यान से सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? ध्यान से सुनेंगे। तो भागवत की कथा में लाखों का मजमा लग जाता है। गीता ज्ञान सुनने वाले बहुत थोड़े होते हैं, और फिर जब भागवत होती है जो देह अभिमानी सांढ़े हैं, जो आत्मा अभिमानी नहीं बनते हैं, देह के संबंधों में जिनकी बुद्धि लगी रहती है, मेरी घरवाली, मेरी भांजी, मेरी बेटी, मेरी बहन जी क्यों भाग गई, तो गुस्सा आता है उनको, तब फिर महाभारत लड़ाई होती है। तो तीनों का कनेक्शन है, पहले गीता फिर भागवत, और भागने का अंजाम
महाभारत। बाबा अंतिम जन्म में किसी के संस्कार नहीं मिलते हैं, सबके टकराते हैं और मिलते भी हैं तो स्वार्थ के कारण मिलते हैं। अगर किसी के साथ रहकर अगर कोई धंधा करा जाए तो चलेगा? सब धंधों में है नुकसान। तो मुझे मालूम है। अरे नींद तो नहीं आएगी, प्रैक्टिस तो पड़ जाएगी जगने की, 4-6 दिन करके देखो तो उसकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी आंखों को जगने की। एक काम तो होगा कि नहीं होगा, फिर धीरे धीरे डालना बंद कर देना। अरे दवाई कोई हमेशा ली जाती है? बीमारी ठीक होने के बाद कोई दवाई लेता है क्या? नहीं। तो नींद की बीमारी है उसकी दवाई बताई, तो दवाई हमेशा कायम रखनी है या नींद खत्म हो जाए प्रैक्टिस पड़ जाए जागने की तो भी दवाई डालते रहेंगे, क्या करेंगे? हाँ बंद कर देंगे। हाँ बाबा बोलते हैं मुरली में कि राजयोग सीखने वाले सिर्फ 16,108 है। हाँ जी, अभी राजयोग सीखने वाले की संख्या तो ज्यादा है ना, तो सिर्फ 16,108 के लिए क्यों? क्या राजयोग सीखने वालों की संख्या ज्यादा है? 16,108 ही थी राजयोग सीखते। हाँ जी। हाँ तो सिर्फ 16,108 की ही क्यों संख्या है? अरे कोई कहे ये कान दो ही क्यों है, तीन क्यों नहीं है, नाक एक ही क्यों है, तीन चार नाके होनी चाहिए, ये कोई बात हुई? 4.5 लाख अपने आप मतलब सीखते हैं ना बाबा, है प्रजा के मतलब जैसे राजा वैसे प्रजा होती है, यथा राजा तथा प्रजा, वो सारी प्रजा जो है 4.5 लाख होगी सारे विश्व को कंट्रोल करेगी कि नहीं करेगी? है कि 16,000 कंट्रोल कर लेंगे सारी दुनिया को? अभी भारत में कंट्रोल करने वाले अधिकारी जिन्हें ऑफिसर्स कहते हैं वो 16,000 की तादाद से ऊपर होंगे या कम होंगे या लगभग हजारों की तादाद में ही होंगे हैं? भारत में हजारों की तादाद में होंगे, बस लाखों की तादाद में अधिकारी नहीं हो सकते। और ऐसे ही हर देश के अधिकारियों को इकट्ठा किया जाए तो लाखों की तादाद में होंगे या हजारों की तादाद में होंगे? हैं? लाखों की तादाद में होंगे। तो सारे विश्व को कंट्रोल करना है तो 4.5 लाख यथा राजा तथा प्रजा चाहिए, और सिर्फ भारतवासियों को कंट्रोल करना है तो कितने चाहिए? द्वापर युग से लेकर के और कलयुग के अंत तक टोटल राजाओं की और राज परिवार की संख्या 16,108 होगी। त्रेता के अंत तक 16,108 प्रत्यक्ष हो जाते हैं। हैं? सतयुग में घर नहीं होते। सतयुग में घर नहीं होते दिखाया है, उसमें सोने का घर दिखाया है। हाँ? वो क्यों? तो सतयुग की खानियाँ नहीं खुलेंगी सोने की? सतयुग में सोने की खानियाँ खुलेंगी या नहीं खुलेंगी? अरे जैसे मिट्टी के पहाड़ होते हैं, पत्थर के पहाड़ होते हैं, मैग्नेट के पहाड़ होते हैं, ऐसे सोने के पहाड़ हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? और पत्थर के पहाड़ों में बड़ी बड़ी गुफाएं बन जाती हैं, तो क्या सोने के पहाड़ों में बड़ी बड़ी गुफाएं नहीं बन सकती? बन सकती हैं। है जो पाठ बताया है चले गए सब उठ के चले गए थे समय
अभी तो उठ के चले गए, दरबार लगा था ना उस समय। हाँ तो दरबार से उठ के चले गए। हाँ हाँ तो क्या वो सही था मतलब उनका है विभीषण का पार्ट? विभीषण रावण के दरबार को छोड़ के जाता है कि नहीं जाता है? तो रावण साबित कर दिया छोड़ो इनको, चले गए। बात उनकी कोई नहीं मानता, सही बात कहते हैं कोई सुनने वाला नहीं है, सब मुंह बंद किए बैठे हैं, तो क्या करें ऐसी सभा में रह करके? युद्ध में लड़ो, युद्ध में भी साथ लीजिए। क्यों दे साथ में? पांडव लड़ते हैं क्या? पांडव लड़ते हैं, युद्ध करते हैं? अरे पांडव युद्ध करते हैं कि सहन करते हैं? हैं? सहन करते हैं। युद्ध में दिखाए लड़ते हुए तो पांडवों को भगवान की साथ का ऐसा दिखाया है? युद्ध में हाँ पांडवों को भगवान को साथ दिखाया लड़ते हुए। हाँ विदुर को नहीं दिखाया। हाँ तो विदुर है कौन? बी माने विशेष, दुह माने जानने वाला, तो विशेष जानकार कौन है? अरे आत्माओं की दुनिया में विशेष जानकार विशेष ज्ञानी कौन है? अरे है शिव बाबा है, वो ही विदुर है। हाँ जी स का शिव, क का कृष्ण और र का राम, तो शंकर लिखते समय स के ऊपर एक बिंदी भी लगाई जाती है, इसका अर्थ क्या? तो बिंदी भी तो साथ में है, है? है? और एक बात क्लियर नहीं हुई। ओम शांति बाबा बाबा बाद में, ये इतने बाबा इकट्ठे हो गए।